Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं फातिमा आपको डिनर शाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रही है बड़ी मज़ेदार और चटपटी सी चिकन शवरमा बिरयानी। तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेरे पास 4 ग्लास चावल है जिनको मैंने भिगो के रख दिया। इसी तरह ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसके हम लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटेंगे। मसालों में मेरे पास है लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, टमाटर है मेरे पास 2 डली, उनको मैंने रफली काट लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट है, ये है गर्म मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और ये मेरे पास है 2 कप भर के दही के। दही हमारी ना तो ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए और ना ही इसमें ज़्यादा पानी होना चाहिए। ये मेरे पास सारे स्पाइसेस मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसी के साथ मेरे पास है 1/2 चम्मच मेरे पास काली मिर्ची का पाउडर है, 2 चम्मच मैंने अपना होममेड बिरयानी मसाला यूज़ करा है, और खड़े मसालों में है 4-5 लौंग, थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची, 3 से 4 काली इलायची और 2-3 हरी इलायची बस। और ये है मेरे पास रेड फूड कलर, इससे मैं अपनी चिकन को मैरिनेट करूंगी। 2 चम्मच मेरे पास लेमन जूस है, ये येलो फूड कलर है जिसको मैंने 2 चम्मच दही में मैरिनेट करके रख लिया। ऑयल मेरे पास 1 प्याली है, हम इसमें सास की जरूरत यूज करेंगे। ये मेरे पास थोड़े से नट्स हैं जिसमें किशमिश है, थोड़े से बादाम है और थोड़ा पिस्ताशू है, ये जो है ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 2 डली प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट के ब्राउन करके रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपनी मज़ेदार चिकन शवरमा बिरयानी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ चिकन को अपनी मोटी मोटी स्ट्रिप्स में काट लेंगे। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट लें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बिरयानी में शवरमे की लुक आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने अपनी सारी चिकन के साथ जो है काट ली। अब हम इसके ऊपर रेड फूड कलर डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि शवरमा की बिरयानी बना रहे हैं हम, इसमें पर शवरमे का लुक भी आएगा। थोड़ा सा और यूज करूंगी। इसी के साथ इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे, साथ ही गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्ची, नमक, काली मिर्ची का पाउडर, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी, इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ करूँगी बस। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो फ्रिज में रखेंगे। नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और गरम मसाला पाउडर, ये सब मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है। मेरी अच्छी तरह से मैंने इसमें तमाम मसाले लगा लिए। अब हम इसको 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद तेज़ गर्म ऑयल में इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करके बाहर निकालेंगे। चिकन हमारी मैरिनेट होने के लिए चली गई, चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब ये दही में ये तमाम मसाले जो हमने आपको बताए थे वो अपने दही में शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले दही में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जो प्याज मैंने आपके सामने ब्राउन करके रखी थी, इसको हाथ से जो है वो इसको तोड़ेंगे, अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे और इसे भी दही में ही डाल देंगे। तमाम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन के जो अब 15 मिनट हो चुके,
अब मैं अपनी चिकन को फ्रिज से निकालूंगी और इसको डायरेक्ट ऑयल में 2-3 मिनट के लिए बस फ्राई करेंगे। मैंने अपनी 2 मिनट गर्म ऑयल में फ्राई करके बाहर निकाल ली है। इसको फ्राई करने का मकसद यही है कि इसके जूसेस इसमें लॉक हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो भी फैलेगा नहीं। तो अब आपको दिखाते हैं इसका मिक्सर। तो ऑयल जो मैंने जो इसका चिकन में डाली थी उसी ऑयल में थोड़ा और ऑयल डाला है मैंने। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम दही में जो हमने तमाम मसाले डाले थे वो इसके अंदर डालेंगे। ऑयल अभी आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ हुआ। और इस पेस्ट को जो है वो फ्राई कर देंगे। अब साथ ही इसके स्टेज पर हम इसे अपना टमाटर डालेंगे जो हमने काट के रखे थे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट भी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट डालने के बाद इसको 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। टमाटर हमारे जो सॉफ्ट होने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। सारा मसाला हमारा जो है मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे तमाम जूसेस के साथ ही इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो चिकन हमारी अच्छे से भून गई। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। नमक डालने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको अब 10 मिनट दम की आंच पर बनाएंगे और बस। नमक और गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसको दम पे लगाएंगे। 10 मिनट इसको दम की आंच पर पकाएंगे, उसके बाद हम अपनी बिरयानी दम लगाएंगे। तो चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। ऑयल और चीज़ जो वो मुनासिब हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आप अपनी नमक मिर्ची हर चीज़ देख सकते हैं। अब मैं अपनी बिरयानी को दम लगाऊंगी। मैं इसमें कोई हरा धनिया पुदीना ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, बस इसको एज इट इज़ दम लगाएंगे, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। बिरयानी को रेगुलर तरीके से ही हम दम लगाएंगे। ये कलर जो मैंने दही में मिक्स करके रखा था वो और ये हमारा शवारमा वाला कोरमा। मसाला भी इसमें अच्छे से होगा और टेस्ट भी थोड़ा अलग होगा इसका। और ये थोड़ा रेड फूड कलर है मेरे पास जो बच गया था उसमें से, वो भी डाल देंगे। और ये बाकी का बचा हुआ कोरमा भी डालेंगे। और बस अब हम इसको दम देंगे और फिर डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। डालने के बाद 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और साथ में जो लेमन जूस मेरे पास रह गया था वो इसके ऊपर डालेंगे। बड़ी ही चटपटी बिरयानी है हमारी। इसी के साथ मेरे पास फ्राई अनियन है, इसे हम बॉईल करेंगे और बस अब हम इसको दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मेरी चिकन शोरमा बिरयानी डिश आउट हो चुकी। तो इंजॉय कीजिए चिकन शोरमा बिरयानी और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।